नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरिता और स्वागत है आपका सरिताज कुकिंग वर्ल्ड में। आज मैंने बनाई है आप सब लोगों के लिए ये टेस्टी सी और यम्मी सी कड़ी। और मैंने इसको बनाया है मक्की के आटे से, जो बहुत ही टेस्टी बनती है मक्की के आटे की कड़ी। आपने बेसन की कड़ी तो खाई होगी, मक्की के आटे की कड़ी आपने नहीं खाई होगी। तो मक्की के आटे से कड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और हिमाचल में मैक्सिमम कड़ी को मक्की के आटे से ही बनाया जाता है। और इसे मक्की की रोटी के साथ भी खाया जाता है, राइस के साथ भी खाया जाता है, या फिर चपाती के साथ भी खाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये मक्की के आटे की कड़ी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये मक्की के आटे की कड़ी। कड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है ये ज़ीरा साबुत, और थोड़ा सा लिया है हींग, थोड़ा है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये साबुत मेथी, साबुत धनिया, और एक चम्मच हल्दी का, और एक चम्मच लाल मिर्च छोटे वाला, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये लिए मैंने कड़ी पत्ता, और ये मेरे पास तीन लीव्स हैं तेज पत्ता की, और ये है इसमें मोटी इलायची, और ये थोड़े से चार पांच लौंग, और साबुत लाल मिर्च, और ये आठ दस दाने काली मिर्च के। तो हम बनाएंगे कड़ी, और कड़ी बनाएंगे आज हम ये मक्की के आटे से। ये लिया है मैंने मक्की का आटा एक बाउल, और इससे बनाएंगे हम कड़ी। और ये लिया है मैंने 2 लीटर दही। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। मैंने लिया है सरसों का तेल, आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, पर कड़ी में सरसों के तेल का तड़का लगाएंगे अगर तो बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने लिए हैं 4, ये थोड़े बड़े चम्मच, क्योंकि मेरी कड़ी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो मैंने 4 बड़े चम्मच लिए हैं सरसों का तेल। और जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम ले लेते हैं ये लिया मैंने लहसुन, और इसको लंबा लंबा बारीक चॉप कर लिया है, और 2 लिए हैं ये बड़े प्याज, और इनको भी मैंने ऐसे लंबाई में चॉप कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे हम ये थोड़ी सी हींग, और पहले डाल देंगे हम ये लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च। हम इनको अच्छे से पकाना है ताकि ये बिल्कुल एकदम से डार्क हो जाए कलर में। और अब डाल देंगे ये तेज पत्ता, और ये डाल दूंगी मैं बड़ी इलायची, और साथ में लौंग भी डाल दूंगी, और ये काली मिर्च भी डाल दूंगी, और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। और ये देखिए हमारी मिर्ची का कलर डार्क हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें ये साबुत मेथी, और डाल देंगे ये साबुत जीरा, और ये साबुत धनिया, और इसको अच्छे से पकने देंगे। हमें थोड़ा सा साबुत मसालों को ज़्यादा पकाना है क्योंकि इसमें फिर कड़ी में अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है अगर हमारे मसाले ज़्यादा पके हों, और कड़ी में खड़े मसाले ही डलते हैं।
तो जब भी कढ़ी बनाएं तो खड़े मसाले ही डालें इसमें, और इसमें कोई भी गरम मसाला नहीं डलता है। हमारे ये जो खड़े मसाले हैं ये अच्छे से पक गए हैं, और अब डाल देंगे हम इसमें ये बारीक कटा हुआ लहसुन, और साथ में डाल देंगे ये प्याज, दो बड़े प्याज लिए हैं मैंने, मुझे कढ़ी में ज़्यादा प्याज अच्छा लगता है। और अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, और जब तक हमारे प्याज पकते हैं तब तक करते हैं हम बाकी की तैयारी। जब तक हमारे प्याज पक रहे हैं तब तक हम ये दही लेंगे, और दही को हम ऐसे फेंट लेंगे। और ये देखिए, और हम लेंगे ये बड़े वाला बाउल, और इसमें डाल देंगे ये मक्की का आटा, और साथ में डाल देंगे इसमें थोड़ा सा दही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियां ना बने। मक्की के आटे की कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, और हिमाचल में मैक्सिमम मक्की के आटे ही की कढ़ी बनाई जाती है। वैसे तो बेसन की भी बनाती हैं, पर ज़्यादातर लोग मक्की के आटे की कढ़ी बनाते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, खासकर सर्दियों के लिए बहुत अच्छी होती है। आजकल गर्मियाँ हैं बट फिर भी मक्की के आटे की कढ़ी बहुत टेस्टी होती है, तो मैंने इसलिए आज ये मक्की के आटे की कढ़ी बनाई है। ये ब्राउन हो गए हैं तो अब इसमें डाल देंगे हम ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको भी थोड़ा पका लेंगे। तो ये प्याज हो गए हैं हमारे ब्राउन, अच्छे से पक गए हैं, डार्क ब्राउन हो गए हैं। अब हम डालेंगे ये कड़ी लीव्स, मैंने लिए 10-12 पत्ते कड़ी के, इसको पका लेंगे। और थोड़ी सी ये लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें साबुत मिर्च भी डाली है तो फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और ये डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी का, और ये डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, और बाकी की हम बचा लेंगे। और इसको आधे मिनट के लिए और पकाएंगे। ये हमारा मसाला रेडी है, हमने इसे पकाया है 3 से 4 मिनट तक। और ये हमारे प्याज बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे मक्की के आटे और दही का मिक्सचर जो हमने घोल के तैयार किया है। और अब हम डाल देंगे कढ़ाई में, और इसको हिला लेंगे, और आंच कर देंगे हम लो फ्लेम पे ताकि हमारा जो दही है वो फटे नहीं। और इसको थोड़ी देर कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। हमने इसमें यूज़ किया था 2 लीटर दही का, और बाकी का डालूंगी मैं इसमें पानी।
इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे और खूब सारा इसको हम कड़ने देंगे, क्योंकि कड़ी तभी टेस्टी बनती है अगर उसे अच्छे से काढ़ा जाए। इसको छोड़ देते हैं हम मीडियम लो फ्लेम पे और तब तक करते हैं हम बाकी की तैयारी। जब तक हमारी कड़ी पक रही है तब तक हम लेंगे उसी बाउल में जिसमें हमने ये मक्की के आटे का घोल बनाया था, उसी बाउल में हम डालेंगे ये थोड़े से मैंने बारीक बारीक काटे हैं आलू, एक आलू काटा है मैंने और एक ये प्याज है और ये तीन हरी मिर्ची है, इसको मैंने लंबा लंबा काट दिया है। इसको डालेंगे हम इसी बाउल में और थोड़ी सी डालेंगे हम ये फूल गोभी, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसमें डाल देंगे हम ये एक कप बेसन का, और साथ में डाल देंगे ये थोड़ा गरम मसाला हाफ चम्मच लिया है मैंने, और हाफ चम्मच लिया है मैंने हल्दी का, और हाफ चम्मच लिया है मैंने चाट मसाला, और ये दो तीन चम्मच लिए हैं मैंने दही के, और इसको हम अच्छे से घोल तैयार करेंगे। क्योंकि कड़ी बनी है तो पकौड़े भी तो बनेंगे ही, तो इससे बनाएंगे हम ये बेसन के पकौड़े। इसको हम ऐसे ही हाथ से मिक्स कर लेंगे। दही मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसके इससे पकौड़े सॉफ्ट बनते हैं और फूले फूले से बनते हैं। ये तैयार हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें डाल देंगे हम ये रिफाइंड ऑयल, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें पकौड़े बनाने हैं तो पकौड़ों को हम डीप फ्राई करेंगे, और इसको गर्म होने देंगे अच्छे से। ऑयल गर्म हो गया है, इसको हम चेक करेंगे, छोटा सा कोई पीसेस डाल लेंगे या हल्का सा बेसन डालेंगे, और ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें डालेंगे अब हम ये जो हमने पकौड़े बनाने के लिए बेसन का मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे, और छोटे छोटे हम इसमें पकौड़े बना के डाल देंगे। मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है क्योंकि कड़ी में भी हमारी मिर्ची है, मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च ताकि अगर आपको ना भी खानी हो तो आप उसे निकाल सकते हैं साइड में, और अगर खानी हो तो वैसे खा सकते हैं। हल्के ब्राउन हो गए हैं हमारे पकौड़े, इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। हम ये पकौड़े इतने ही पकाएंगे और इसको निकाल लेंगे क्योंकि इसको हम बनाएंगे अच्छे से करारा,
और उसके लिए हमें इसको फिर से फ्राई करना है। थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम फिर से इसको एक बारी फ्राई करेंगे। तो इसमें फिर से हम ये बेसन का मिक्सचर डाल देंगे। और जब तक हमारी कढ़ी भी अच्छे से कर रही है, अभी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। और जो बाकी के पकौड़े हैं उनको भी हम इसमें कढ़ाई में डाल लेंगे। और इनको भी हम करारा होने तक पकाएंगे। इनको भी निकाल देंगे। तो ये हमारे पकौड़े भी रेडी हो गए हैं और हमारी कढ़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है। हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें डालूंगी मैं ये हाफ चम्मच चीनी का। चीनी मैंने इसलिए डाली है ताकि जो हमने नमक मिर्ची इसमें डाली होती है उसके टेस्ट को बैलेंस करे। और थोड़ी सी डाली है मैंने चीनी, ज़्यादा नहीं डलेगी वरना हमारी कढ़ी मीठी हो जाएगी। तो ये हाफ चम्मच मैंने चीनी का नमक और मिर्ची के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए डाला है। तो हमारी कढ़ी एकदम रेडी है। तो इसमें डालेंगे हम ये जो हमने पकौड़े बनाए थे वो डाल देंगे। हमारी कढ़ी सर्व करने के लिए रेडी है। और उससे पहले मैंने लिया है ये तड़का पैन और इसमें डालूंगी मैं ये एक चम्मच देसी घी का और इसको गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें डाल दूंगी मैं ये लाल मिर्च। इसको अच्छे से पकने दूंगी। लाल मिर्च अच्छे से करारी होगी। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये 4-5 लीव्स कड़ी पत्ता भी। इसको भी पका लूंगी। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी जो मैंने बचा ली थी और ये देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च कोई भी आप ले लें। और इसको गैस फ्लेम को ऑफ कर दें और ये हमारा तड़का रेडी है। इसको डाल देंगे हम ये कढ़ी के ऊपर। और ये देखिए हमारी कढ़ी रेडी है बिल्कुल। तो देखिए ये कढ़ी बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और ये जो मैंने ऊपर से तड़का डाला है इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो लीजिए सर्व करने के लिए रेडी है हमारी ये मक्की के आटे की कढ़ी। बहुत ही टेस्टी बनी है। और मैंने जो ऊपर से तड़का लगाया है लाल मिर्ची कड़ी पत्ता और कसूरी मेथी का, उससे इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो आप भी इस मक्की के आटे की कढ़ी को ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप चाहें तो इसको राइस के साथ, चपाती के साथ या फिर मक्की की रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आपको मेरी ये मक्की के आटे की कढ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हमेशा खुश रहिए।